आर्केडिया ग्रैंड की वंदना डिस्ट्रीब्यूट के पीड़ित प्रतीक शर्मा ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी फर्म में 8 वर्ष से कार्यरत हेमंती नंदन मैनेजर ने फर्म में अपने साथी विवेक सपन के साथ मिलकर मोबाइल फर्म के नाम दवाई के बिल काटकर रुड़की की फर्म को 45 लाख के घोटाले को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया और अन्य 2 अभियुक्तों की तलाश जारी है, जिन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नवभारत समाचार से अनिल कुमार गुरु की रिपोर्ट। काफी टाइम से 1-1.5 साल से थोड़ा विश्वास पे मैंने इनको काम सौंपा हुआ था, तो उसमें इन्होंने उसका फायदा उठा के मेरे यहाँ 45 लाख रुपए का कम से कम दवाइयों का गबन किया, घपला किया। घपला कैसे किया इन्होंने? घपला जी ऐसे किया इन्होंने, इनके साथी हैं, उनका नाम है विवेक रेस्टोरेंट वाले विवेक पोखरियाल, हाँ जी, और मुजफ्फरनगर के रहने वाले सपन सेठ, ठीक, उनके साथ मिलके इन्होंने फर्जी बिल प्रस्तुत करके और दवाइयों का मेरे यहाँ से चोरी करके फर्जीवाड़े में ये आगे इन्होंने बेची है दवाई। ये कहाँ बेची दवाई इन्होंने? इन्होंने सारी ये जी जो सपन सेठ का मैंने नाम लिया है, हाँ सब दवाइयाँ उन्होंने खरीदी, उनके फर्म का नाम है श्री गणेश फार्मा। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और फर्म रुड़की की है। अभी आप क्या चाहते हैं इसमें? अभी तो जी मैं इसमें यही चाहता हूँ कि अभी इनकी FIR हो चुकी है और आज इनको पकड़ा भी गया है, विवेक पोखरियाल को, हेमंत को पकड़ना भी बाकी है, और मैं चाहता हूँ जी इनसे मेरी रिकवरी हो, जो मुझे नुकसान हुआ है 45 लाख रुपए का, इनसे मेरा रिकवर हो जल्द से जल्द। अभी जैसे सुनने में आया था कि आपने बताया कि इन्होंने फर्जीवाड़ा किया, जी तो इनके जो रकम गई है वो तो आशीष उसमें गई है कोई कंपनी में नाम आशी से, कम्युनिकेशन ये विवेक पोखरियाल की ही है, ठीक इन्होंने है, अपनी कंपनी में फर्जी बिल बना के आगे दवाइयाँ बेची हैं, ठीक, जो कि ये बेचने के लायबल भी नहीं है क्योंकि इनके पास ना तो ड्रग लाइसेंस है ना कुछ है।